अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत खुश होंगे, बहुत स्टाइलिश होंगे और बहुत गुड लुकिंग होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और फ्रेंड्स, आज मैं बेबी गर्ल के लिए बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस बनाने वाली हूँ, उसकी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसको मैंने दरमियान में से फोल्ड करके बिल्कुल जो है दो हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और एक को हमने फ्रंट के लिए यूज़ करना है और दूसरे को बैक के लिए, और स्लीव बनाने के लिए हम ज्वाइन करके या कैसे भी हम बाद में स्लीव को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर शर्ट की लेंथ मेरे पास 30 इंच है और शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल पे मेरा 6 इंच है, 1 इंच में एक्स्ट्रा शोल्डर की शेप के लिए लूँगी। और चेस्ट हमारी 7 इंच पे मार्क किया हमने चेस्ट के लिए, और चेस्ट से तकरीबन 3.5 इंच पे मैंने वेस्ट के लिए मार्क किया, और वेस्ट हमारी 6 इंच पे मार्क किया, और हिप के लिए मैंने 10 इंच पे मार्क किया। हिप के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 18 इंच पे, और यहाँ पर मैं चौक नहीं रखूँगी। आप चाहे तो हिप का मार्क स्किप भी कर सकते हैं और वेस्ट से ही नीचे तक ए लाइन शेप दे सकते हैं। और यहाँ नेक के विड्थ छोड़ते हुए मैं 1 इंच की शेप दे रही हूँ और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ 2.5 इंच मैंने गोलाई में शेप दे दी दामन को। तो यहाँ मेरा बैक साइड हमारी कटिंग हो चुकी है और ये मेरा हमने अब फ्रंट की कटिंग करनी है। और फ्रंट के लिए मैं पहले साइड पैनल कटिंग करूँगी। तो साइड पैनल के लिए मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरीके से मैं दो साइड पैनल कट कर लूँगी। तो हमारे साइड पैनल कटिंग हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं ये मेरे पास जो फैब्रिक है इसमें से मैं टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करते हुए उसको अलग-अलग से कट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पे मैं यहाँ पर टॉप के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो ये बॉटम पार्ट हमारे पास कट होके आ चुका है। इस पर हम इस तरीके से गैदरिंग करेंगे और टॉप की जो विड्थ है वो हमें कम चाहिए क्योंकि साइड पे हमारे पैनल भी ज्वाइन होंगे। और यहाँ सेंटर टॉप की विड्थ जो है वो हम 8 इंच रखेंगे क्योंकि सिलाई में भी चली जाएगी। 7 इंच हमारी जो है सेंटर की विड्थ रहेगी और साइड पे भी हम 5 इंच के जो पैनल लगाएंगे तो उसमें से हमारी शर्ट की कटिंग होगी। तो कुछ इस तरह से हमारी शर्ट की फ्रंट की सिलाई इस तरह से होगी। साइड पैनल साइड पे लगेंगे। और तो चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गैदरिंग कर ली और सेंटर बॉटम को सेंटर टॉप के साथ हमने ज्वाइन कर लिया है और दरमियान में मगजी लगा दी है रेड कलर की। और अब हम साइड पैनल्स को ज्वाइन करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर रफल तैयार करेंगे। और यहाँ रफल बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है 2.5 इंच उसकी विड्थ है और 25 इंच लेंथ है। तो इसको हम रफल की जो लेंथ है वो 13 इंच है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग पॉइंट बना लिए हैं और इसको इस तरीके से रख के हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगा के
बड़े बखिये की सिलाई लगा के हम गैदरिंग करेंगे और उसके बाद इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो आप सिलाई देख लें, यहाँ पर मैंने बड़े बखिये की सिलाई लगाई है और उसको एक थ्रेड एक धागा निकाल के हम उसको इस तरीके से खींचेंगे, गैदरिंग बना लेंगे। और यहाँ पर ये कटिंग पॉइंट जो हमने बनाए हैं उसके ऊपर इस तरीके से हम थोड़ा सा गुलाई में स्टार्ट से रखेंगे। और उसके बाद फैब्रिक को सीधा करते जाएंगे और इस तरीके से हम रफल को ज्वाइन कर लेंगे। और ये रफल वाला फैब्रिक मेरे पास डबल में था, डबल में ढाई यानी सिंगल में 5 इंच हमने इसकी विड्थ ली थी। तो इस तरीके से रफल को मैंने ज्वाइन कर लिया है और अब सेंटर वाले पीस को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पीसेस ज्वाइन हो चुके हैं और अब हमने इनके ऊपर रेड कलर की मगजी लगानी है। तो उसके लिए हमने रेड कलर का फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर हमने 1.5 इंच के अरेब में लाइंस ड्रॉ करनी है। आप चाहें तो सीधे यानी स्ट्रेट फैब्रिक में से भी निकाल सकते हैं। 1.5 इंच पे हमने लाइंस ड्रॉ की, हमारा स्केल 1.5 इंच का ही है। तो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम मगजी कट करेंगे। और कटिंग करने के बाद हमने इसको इस तरीके से अटैच करना है, आप देख सकते हैं, इसको फोल्ड करके बंद वाली साइड बाहर को रखनी है और ओपन वाली साइड से हमने एक पाँव की सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई आप देख सकते हैं मैंने 2 पॉइंट या 1 पॉइंट छोड़ के लगाई है और उसके बाद इसको इस तरीके से टर्न करके दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। जो हमने ऊपर से नीचे तक सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही ये आनी चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारी मगजी भी लग चुकी है और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जिस तरीके से हमने बैक साइड की कटिंग की थी वही हमने इसको सेट करके क्रेज लाइन बना के रख लेना है और जो बैक साइड कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख के एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। ध्यान रहे कि ये रफल हमारी दरमियान में से कट ना हो जाए, उसे साइड पे रखें। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2.25 इंच विद नेक रखा है और लेंथ मैंने 3 इंच रखी है। फ्रंट नेक और बैक नेक जो है वो उससे 1 इंच कम रखी है। तो इस तरीके से मैंने नेक की कटिंग की और उसके बाद हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर भी मगजी लगा लेंगे और मगजी कटिंग के लिए हमने कटिंग वैसी ही की है और यहाँ पर माप के लिए हम इस तरीके से माप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने राउंड में लगानी है तो यहाँ पर पहले से हमने जितनी मगजी लगानी हो वो हमने कटिंग कर ली। थोड़ी सी ऊपर बढ़ा के हमने यहाँ पर इसका माप लिया और यहाँ पर सिलाई कर ली है और अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको फैब्रिक के राइट साइड पे इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई करेंगे और इसको रॉन्ग साइड पे पलट के हैंड स्टिच कर लेंगे या सिलाई कर लेंगे। और अगर आप इसको फ्रंट साइड पे दिखाना चाहते हो तो रॉन्ग साइड पे इसको रख के सिलाई करेंगे और दोबारा से फ्रंट साइड पे पलट के इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बैक साइड पे ही लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी मगजी नेक की भी लग चुकी है और नीचे भी मैंने मगजी लगा दी है दामन पे। तो अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं और स्लीव की कटिंग मैंने कैमरे पे नहीं दिखाई है, जॉइन लगा के मैंने की है। तो आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट बॉटम 4 इंच है तो मैंने 3 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है।
और यहाँ पर मैंने 2 इंच फैब्रिक कटिंग करके इसको कफ की शक्ल दे देनी है। ये फैब्रिक मेरे पास फोल्डेड है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने कंट्रास्ट में जो शर्ट वाले फैब्रिक इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करके इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। थोड़ी डिज़ाइनिंग भी हो जाएगी, कफ वाला स्टाइल भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ ये जो हमने गैदरिंग की थी उसको इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो स्लीव हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको राउंड शेप में शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो शर्ट हमारी रॉन्ग साइड है और स्लीव हमारी राइट साइड है, तो इस तरीके से हम इसको अंदर करते हुए इस तरीके से फिटिंग की सिलाई के साथ फिटिंग की सिलाई को बिल्कुल मैच करते हुए रखेंगे और राउंड में सिलाई स्टार्ट करते जाएंगे। और फ्रेंड्स ये हमारे डिज़ाइन की फाइनल लुक है, हमारी ड्रेस और फ्रॉक की ये फाइनल लुक है। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं आपसे बहुत माजरा चाहती हूँ बच्चों के शोर के लिए, क्योंकि जहाँ हम होंगे तो मेरा बेटा तो हमारे साथ ही होगा और बहुत गुस्सा हो रहा है हमें, तो इसलिए अब मैं इजाज़त चाहती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। फी अमानिल्ला। और मुझे सब्सक्राइब किए, लाइक और शेयर के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।